तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं स्ट्रीम लैब से स्ट्रीम करना? और अगर आप करते हैं और ओवरले बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऑडियो में प्रॉब्लम आती है, जैसे इंटरनल साउंड लेने में ऑडियो में प्रॉब्लम आती हो, गेम इन साउंड, तो यार मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप गेम की साउंड भी कैसे ले सकते हैं स्ट्रीम लैब में विदाउट एनी OBS या विदाउट एनी सिस्टम साउंड कह रहा हूँ, PC यूज़ करते। तो यार मैं इजीली बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो यार नीचे जाके आप देख सकते हैं, मैं रोज़ स्ट्रीम करता हूँ और स्ट्रीम लैब का ही यूज़ करता हूँ। और ये ओवरले मैंने खुद बनाया है, मैं बताऊँगा आप कैसे इसको एडिट कर सकते हो, कैसे सब कुछ लगा सकते हो। तो यार बने रहिए चैनल पे, और भाई लोगों सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर तो ज़रूर करना यार दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो स्वागत है हमारे चैनल एमआई गेमिंग में, और जो कोई इसमें नया है यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। लाइक का टारगेट रखते हैं भाई 25, तो 25 लाइक के बाद भाई आते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो यार मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दूं, स्ट्रीम लैब का कोई भी एडिटिंग शुरू करने से पहले ही मैं ये चीज़ बता देता हूं कि भाई ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिसके फ़ोन में भाई सिस्टम साउंड सपोर्ट है। अगर आपके फ़ोन में सिस्टम साउंड सपोर्ट नहीं है तो भाई फिर तो स्ट्रीम लैब से आप नहीं कर सकते, स्ट्रीम लैब का किसी भी ऐप से आप सिस्टम साउंड नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके फ़ोन में है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपली कैसे सिस्टम साउंड दे सकते हैं इजीली। तो यार वीडियो को देखते रहिए आगे तक, और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने पैरेलल स्पेस डाउनलोड कर लिया है। पैरेलल स्पेस की बेसिकली आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए डाउनलोड करा क्योंकि मुझे वो अपना सारा लेआउट चेंज करना पड़ जाएगा, डिलीट करना पड़ जाएगा, और मेरे पे सारा लेआउट है नहीं। तो मैं आपको पैरेलल स्पेस पे स्ट्रीम लैब रन करके दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यूट्यूब से लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। तो हम यूट्यूब से लॉगिन करते हैं, हम मेरा हमेशा वाला अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो यार दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन तीन डॉट में क्लिक करना है। तो तीन डॉट में क्लिक करने के बाद आपको एडिटर में जाना है। आप देख सकते हो मेरा लेआउट यार कैसा है, मैंने खुद ड्रॉ करा है। इसको आपको ड्रॉ खुद करना पड़ेगा क्योंकि काइन मास्टर में जो भी लेआउट आते हैं भाई वो आपके फ़ोन के लिए फिट नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली दिखा दूंगा यार मैंने कैसे ये ड्रॉ करा था। आप देख सकते हो पीछे वाला लेआउट अभी भी मेरा है इसके ऊपर, तो यार मैंने वो हटाया नहीं है, मैंने खुद ये सारे ड्रॉ करे। पहले वो नॉर्मल ड्रॉ करा फिर ये मैं लेके गया। लेकिन यार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये पहले लेआउट कैसा था और मैंने इसको फिर कैसा बनाया है। तो यार अरे ऐड भाई, नहीं, चलिए मत, ठीक है बहुत बढ़िया। तो यार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार आप देख रहे होंगे ऊपर ये इतने सारे आग के बटन है। तो यार ये लेआउट पहले ऐसे नहीं था, ऐसे था। हाँ ये वाला लेआउट ये पहले ऐसे था, मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करा और फिर मैंने इसको ऐसा बना दिया। तो यार ये बनाया है मैंने यार सिंपली, आप नेट पे देख लीजिए बैकग्राउंड रिमूवर ऐप, या बैकग्राउंड रिमूव ऑनलाइन हो जाता है तो आप सिंपली वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यार ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे करना है पहले क्लिक। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद तो यार ओवरले क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपनी सेटिंग पे जाना है। तो मैं सिंपली दिखा देता हूँ, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट सेटिंग है, इसको मैं आपको अपने बिट रेट जो भी है सेट कर लो। मैं 13,000 पे सेट करता हूँ, मेरी 50 MBPS की स्पीड है, और फिर आउटपुट रिजोल्यूशन आप जो भी देना चाहते हो। उसके बाद ऑडियो की बात करते हैं, जो मेन बात है आप इसको ऑन मत करना, क्योंकि इसको ऑन करोगे तो यार आपके टीममेट्स के पास आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। और ऑडियो सोर्स देख लो भाई, माइक्रोफोन है मेरा, सिंपली कैमकॉर्डर सारे कहते हैं, कैमकॉर्डर कैमकॉर्डर नहीं, माइक्रोफोन करो भाई इसे। और भाई इसको माइक्रोफोन करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास ज़रूरी है कि भाई आपके पास ऐसी ईयरफोन हो या हेडफोन हो जिसमें माइक हो भाई, तो माइक हो तभी वो चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यार एक हेडफोन ऐसा लेना या ईयरफोन ऐसा लेना जिसमें माइक हो। तो यार अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करो, और भाइयों को भी मदद चाहिए तो उनको भी करो यार। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।